गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सेकंड क्लास का दूसरा चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यू फ्रॉम द ओल्ड, पुराने से नया। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द राज एंड हिज सिस्टर रिया आर वेरी एक्साइटेड। राज और उसकी सिस्टर रिया बहुत ही उत्सुक थे, एक्साइटेड थे। क्यों एक्साइटेड थे वो? देयर अंकल इज कमिंग फ्रॉम पटना फॉर दशहरा। उनके अंकल पटना से आ रहे थे, किसके लिए? दशहरे के लिए, कि दशहरा है। वो राज और रिया के घर उनसे मिलने आ रहे थे। रिया एंड राज आर बिजी क्लीनिंग द हाउस। रिया और राज घर की सफाई करने में बिजी थे। नाउ दे आर इन द स्टोर रूम। नाउ दे आर इन द स्टोर रूम। वो स्टोर रूम के अंदर गए वाइल क्लीनिंग, स्टोर रूम की सफाई करने के लिए। दे कम अक्रॉस मैनी थिंग्स। उन्हें जब वो स्टोर रूम में गए तो उन्हें बहुत सारी बातें पता चली। राज फाइंड अ बॉक्स। राज ने एक बॉक्स ढूंढा। ही टेक्स आउट सम ब्रोकन टॉयज एंड ओल्ड क्लॉथ फ्रॉम द बॉक्स। राज को एक बॉक्स मिला जिसमें पुराने टूटे हुए खिलौने और पुराने कपड़े मिले। Then on a table in one corner, एक टेबल जो एक कोने में रखी थी, they find a pile of old newspapers and a bundle of magazine. स्टोर रूम में एक टेबल रूम के कोने में रखी हुई थी, उसमें उसके ऊपर बच्चों पुराने न्यूज़पेपर और मैगजीन के बंडल रखे हुए थे। ओके। इन अ कपबोर्ड रिया फाइंड ओल्ड शूज। एक पुराने कबर्ड में या अलमीरा में रिया को पुराने शूज मिले। जस्ट एंड देयर फादर कम जस्ट देन देयर फादर कम। तभी उनके पापा, किसके पापा? रिया और राज के पापा स्टोर रूम में आए। फादर पापा कहते हैं, चिल्ड्रन व्हाट आर यू डूइंग हेयर, कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? राज, वी आर मेकिंग बंडल ऑफ ओल्ड क्लोथ एंड शूज। हम पुराने कपड़ों और शूज के बंडल बना रहे हैं, कि वो पुराने कपड़े हैं, पेपर है, मैगजीन है, उनको साफ करके अलग अलग बंडल बना रहे हैं। दे आर यूजलेस, कि ये अब हमारे यूज के नहीं है। यूजलेस मीन अब ये हमारी उपयोग की चीजें नहीं है, अब हमारी यूज नहीं आएगी क्योंकि पुराने हो गए हैं। वी विल थ्रो देम इन द डस्टबिन ऑन द रोड साइड। ये सारे पुराना सामान हम डस्टबिन में डाल देंगे जो रोड के पास बना हुआ है। रिया एक्साइटेडली, डैड आई विल मेक बॉनफायर ऑफ ऑल द ओल्ड मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। रिया अपने डैड से कहती है कि पुराने मैगजीन और न्यूज़पेपर को हम आग में जला देते हैं। फादर, देखिए अब उनके पापा क्या कहते हैं, वाई मेक अ बॉनफायर ऑफ ओल्ड मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। क्यों, हम क्यों जलाएंगे न्यूज़पेपर और पुरानी मैगजीन को आग में? पीपल इन द चैरिटी होम कैन यूज देम, हम इनको चैरिटी होम में दे सकते हैं,
जिसे कि और बहुत से लोग इनको यूज कर सके। हम रिया और राज की डैडी उनको समझाते हैं कि पुराने न्यूज़पेपर और पेपर्स को जलाने से अच्छा है हम उन्हें चैरिटी होम में दे देते हैं, जिससे बाकी लोगों के वो काम आ सके। दे कैन मेक पेपर बैग्स एंड टॉयज फ्रॉम देम, कि इनसे पुराने मैगजीन और पेपर से वो पेपर बैग बना सकते हैं, ये टॉयज बनाने के काम ले सकते हैं। दिस वे दे कैन अर्न सम मनी, जिससे वो कुछ पैसे कमा सकते हैं। चिल्ड्रन, यू शुड नो दैट व्हेन यू बर्न ड्राई लीव्स और पेपर, अ लॉट ऑफ स्मोक कम आउट। बच्चों, आपको पता है पुराने अखबार और सूखी पत्तियों को जलाने से बहुत ही धुआं उठता है। इट्स स्पॉइल द एयर, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है, हवा दूषित हो जाती है। राज और रिया के डैडी उनको समझाते हैं पुरानी चीज़ों को जलाने या फेंकने से अच्छा है हम उनको चैरिटी में दे सकते हैं, जिससे बाकी लोग उनका यूज़ कर सके। और मैगजीन पेपर या सूखी पत्तियां जलाने से वातावरण, यानी जो हमारा हमारी जो एयर है वो पल्यूट हो जाती है, इसलिए हमें सूखी पत्तियां और मैगजीन नहीं जलानी चाहिए। राज, डैड, आई नेवर थॉट ऑफ दैट, इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। फादर, वी शुड ऑलवेज यूज पेपर बैग, हमें हमेशा पेपर बैग यूज करने चाहिए। प्लास्टिक कैरी बैग आर नॉट गुड, प्लास्टिक के जो कैरी बैग होते हैं वो अच्छे नहीं होते। दे क्लॉग द ड्रेन्स, वो नालियों को रोक देते हैं। बच्चों, हम प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं, बहुत सा सामान प्लास्टिक की चीज़ों में लेके आते हैं और उसको जगह जगह फेंक देते हैं, जैसे नालियों में फेंक देते हैं, जिससे नालियों का पानी का बहाव रुक जाता है और नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। ओके, रिया, आई रिमेम्बर आउट मिल्क मैंस बफलो डाइट लास्ट ईयर, मुझे याद है मिल्कमैन बच्चों कौन होता है, जो दूध बेचता है। जो मिल्कमैन की बफलो है वो लास्ट ईयर मर गई। शी हैड प्लास्टिक बैग फ्रॉम द गार्बेज बिन एंड गॉट इल, उसने कचरे में से प्लास्टिक के बैग खा लिया था और वह बीमार हो गई, जिससे उसकी डेथ हो गई। बच्चों, सभी लोग जगह जगह प्लास्टिक के बैग यूज करते हैं, सामान लेके आते हैं और उनको कचरे में फेंक देते हैं, जिससे पालतू पशु घूमते हैं, इधर उधर जानवर घूमते हैं, उनको खा लेते हैं और उनकी इस वजह से वो बीमार हो जाते हैं और उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए हमें प्लास्टिक के बैग यूज नहीं करने चाहिए, हमें पेपर बैग ये कपड़े के बैग या जूट के बैग यूज़ करने चाहिए। ओके, फादर सेड, पापा कहते हैं ही शुड हैव बीन केयरफुल, हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। सो वी शुड यूज पेपर बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, हमें प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग यूज़ करना चाहिए। राज, बट हाउ कैन वी कैरी हैवी थिंग्स इन अ पेपर बैग, राज कहता है कि बट हम बाहर जो हम भारी सामान है, जो हैवी सामान है, वो हम पेपर बैग में कैसे कैरी कर सकते हैं। फादर, वी कैन कैरी देम इन अ क्लोथ बैग और अ जूट बैग, हम उन सामानों को जो भारी सामान होते हैं जो पेपर बैग में नहीं आ सकते, उन सामानों को हम कपड़े के थैले या जूट जूट के थैले हैं
उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन बाय देम फ्रॉम द मार्केट। हम ऐसे बैग्स को मार्केट से खरीद सकते हैं। यू कैन आल्सो आस्क योर मदर टू मेक सम बैग्स फॉर यू। आप अपनी मम्मा से कह के अपने लिए ऐसे बैग्स बनवा सकते हैं। रिया लाफिंग। रिया हंसती है। ओह यस शी कैन मेक देम फ्रॉम ओल्ड ट्राउजर्स। कि हाँ वो सिल सकती हैं किससे, पुरानी पैंट, जैसे पुरानी पैंट होते हैं, पुराने ट्राउजर्स होते हैं, आपके जो पुराने कपड़े होते हैं उनसे बैग सिल सकती हैं। आई कैन पेंट फ्लावर्स एंड पैटर्न ऑन देम। हम उनमें फ्लावर्स, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पेंट कर सकते हैं। देम द बैग्स विल लुक ब्यूटीफुल। जिससे वो बैग ब्यूटीफुल हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। राज, दैट इज अ गुड आइडिया। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सो बच्चों, ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। जैसा कि आपने इसको रीड किया, इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें पुराने जो चीज़ें होती हैं, पुराने बैग, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं। उनको फेंकने की बजाय उनसे पेपर बैग बना सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। हमें प्लास्टिक के बैग यूज़ नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा कपड़े के थैले या जूट के थैले या पेपर के थैले यूज़ करने चाहिए, जिससे जो जानवर होते हैं वो उन बैग्स को, नहीं से नहीं हो रहा।